गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर लूफी का सामना उस मिस्टीरियस पर्सन से हो जाता है और फिर वो मिस्टीरियस पर्सन लूफी की तरफ बढ़ने लगता है। वो मिस्टीरियस पर्सन लूफी के करीब आकर अपनी हेड को उतारता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी अगले ही पल हैरान हो जाता है और वो उस मिस्टीरियस पर्सन को देखकर हिचकिचाने लगता है। और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम, जिस पर वो मिस्टीरियस पर्सन उससे कहता है कि काफी अरसा हो गया है ना, और जिसको देखकर सुनकर लूफी भावुक हो जाता है और फिर लूफी रोने लगता है। और फिर जैसे ही वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है लूफी की आंखें बाहर आ जाती हैं और लूफी शॉक्ड हो जाता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी, जोरो और किनेमोन ने अपना गेटअप चेंज कर लिया होता है और उन लोगों ने टॉयज के कपड़े पहन लिए होते हैं और लूफी बच्चों की तरह रो रहा होता है, जिस पर जोरो उससे कहता है कि रोना बंद करो, क्या तुम लॉ को नहीं बचाना चाहते। और फिर वो उसके सिर में एक लगाता है, जिस पर लूफी रोते हुए कहता है कि मैं लॉ को जरूर बचाऊंगा और मैं मिंगो को भी सबक जरूर सिखाऊंगा। और फिर हमें उसी मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने लूफी के कपड़े पहन लिए होते हैं और फिर वो क्लोसियम की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे हर हाल में फ्लेयर फ्लैश रूट को जीतना होगा और हम उसके विल को इनहेरिट करेंगे। और यहाँ लूफी जोरो से कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जिंदा होगा, जिस पर जोरो कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। और लूफी रोते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि वो मर चुका है। और फिर हमें एस के ग्रेव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साके और तीन कप्स रखे हुए होते हैं और एक न्यूज़पेपर जिसमें लिखा हुआ होता है कि स्ट्रॉ हैट्स वापस आ चुके हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी, किनेमोन और जोरो भाग रहे होते हैं और लूफी अब भी रो रहा होता है, जिसे देखकर जोरो उसे एक लगाता है और कहता है कि क्या तुम अब भी रो रहे हो, जिस पर किनेमोन उसे कहता है कि मैंने लूफी दोनों को इससे पहले ऐसे रोते हुए नहीं देखा, और जिसे लगता है कि वो उस इंसान को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। जिस पर जोरो लूफी से कहता है कि मैं तब से पूछ रहा हूँ कि आखिर वो है कौन, जिस पर लूफी रोते हुए कहता है कि वो मेरा भाई है, जिसे सुनकर जोरो शॉक्ड हो जाता है। और किनेमोन कहता है लूफी दोनों का कोई भाई भी है, जिस पर जोरो कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा भाई फायर फिस्ट एस है, और कहता है कि क्या वो जिंदा है, जिस पर लूफी अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहता है कि इससे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। और फिर हमें वही पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी, एस और साहू तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं और उनके वो कुछ प्यारे से पल हमें यहाँ फिर से दिखाया जाता है कि कैसे वो तीनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे। और फिर हमें उसी ट्री हाउस का सीन दिखाया जाता है जिसे मिलकर उन तीनों ने बनाया होता है। यार, मुझे वो फिर से देखना है। और फिर हमें उसी तीन कप ऑफ साके को दिखाया जाता है जहाँ पर एस कह रहा होता है कि जब हम तीनों पायरेट्स बन जाएंगे तो शायद हम लोग सेम शिप में ना हो, पर हमारा भाईचारा ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहेगा, हम चाहे जहाँ पर हो और चाहे जो कर रहे हो, हम तीनों हमेशा हमारे इस बॉन्ड से बंधे रहेंगे। और फिर वो तीनों अपने साके कप को चीयर्स करते हुए कहते हैं कि तो फिर आज से हम तीनों भाई हैं। और जिन्हें याद करके लूफी कहता है कि एस ने सही कहा था, हम तीनों हमेशा भाईचारे के इस बॉन्ड से बंधे रहेंगे। और जोरो अब भी पहले की तरह कंफ्यूज होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लावर फील्ड के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टॉय सोल्जर उन सब से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सब लोग रेडी हो, जिसके बाद वो टॉय सोल्जर उन लोगों से कहता है कि हम लोग छुप कर उस अंडरग्राउंड पैसेज के जरिए उस पोर्ट के अंदर जाएंगे, जिस पर लियो कहता है कि हाँ, और हमारा टारगेट बस शुगर है और हम उसे नॉकआउट करके रहेंगे, जिससे इस कंट्री के सारे टॉयज वापस से इंसान बन जाए, जिस पर वहाँ के सारे लोग सहमति देते हैं। और फिर उनका किंग उन लोगों से कहता है कि हमारे दोस्तों को आजाद करो और ड्रेसरोसा को किंग रिको के लिए वापस लो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग उस अंडरग्राउंड पैसेज के जरिए रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद फ्रेंकी कहता है कि आखिर मैं इसके अंदर से कैसे जाऊंगा, जिस पर लियो कहता है कि जब हमने ये प्लान बनाया था तो हमने किसी बड़े आदमी की उम्मीद नहीं की थी, जिस पर वो टॉय सोल्जर फ्रेंकी से कहता है कि तुम्हें उस टॉय हाउस के अंदर से
सेंटर होना होगा। और टॉय हाउस का नाम सुनकर फ्रेंकी कहता है कि तुम उसे हाउस कहते हो, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सारे टॉयज रहते हैं, है ना। जिस पर वो टॉय सोल्जर दुखी होकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस नाम का हाउस है। वहाँ पर सोने के लिए कोई बेड नहीं और न ही कुछ और। उसके अंदर से बस एक पैसेज है जो सीधा उस अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट की तरफ जाती है, और जहाँ पर जाकर वो सारे टॉयज रात भर मेहनत करते हैं और फिर वापस से सुबह सड़कों पर लोगों को एंटरटेन करते हैं। पर वो सब मजबूर हैं, जिसे सुनकर फ्रेंकी रोने लगता है और उस सबको भी गुस्सा आ जाता है। और फिर फ्रेंकी उन लोगों से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं उस माइन फैक्ट्री की तरफ किसी दूसरे रास्ते से जाऊंगा ताकि मैं उन सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका सकूं, और तब तक तुम लोग शुगर का काम तमाम कर देना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंकी किसी दूसरे रास्ते से उस टॉय हाउस की तरफ निकल जाता है और फिर वो उस टॉय हाउस के बाहर पहुंच जाता है और उसे ऐसे अजीबोगरीब हेयर स्टाइल और कपड़ों में देखकर वहां के गार्ड्स पहचान जाते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट का साइबॉर्ग फ्रेंकी है। और जहां पर फ्रेंकी का सामना एक अधेड़ उम्र के बच्चे से हो जाता है जिसका नाम सैनी और पिंक है, जो कि डॉन क्यूटी फैमिली का एक एग्जीक्यूटिव है और जो कि डियमांटे आर्मी से बिलोंग करता है। और उसके इन अजीबोगरीब कपड़ों को देखकर फ्रेंकी कहता है कि आखिर ये ठरकी कौन है। जिस पर वहाँ के सोल्जर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं। और फिर एक सोल्जर फ्रेंकी की खबर डोफ्लामिंगो को देने लगता है। और इसी बीच फ्रेंकी अपने कूजा बस्ट का यूज करके उस टॉय हाउस के गेट को खोलने की कोशिश करता है और यहाँ उस धमाके की आवाज डोफ्लामिंगो सुन रहा होता है। साथ ही साथ वहीं पर फुजीतोरा भी बैठा हुआ होता है। वहीं यहाँ इस धमाके की खबर बाकी के डॉन क्योटे फैमिली के मेंबर्स को भी पता चल जाता है और फिर फ्रेंकी उन लोगों पर लगातार हमला करता रहता है, और जिसकी आवाज सुनकर शुगर कहती है कि वो लोग टॉय हाउस पर अटैक कर रहे हैं। जिस पर ट्रेवल उससे कहता है कि परेशान मत हो, वो लोग तो बस स्माइल फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता नहीं है, और अगर ऐसा होता भी है तो तुम उन सबको टॉयज में बदल देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टुंडाटा किंगडम के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग उसप और रॉबिन के साथ तेजी से उस फोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और जहाँ पर वो टॉय सोल्जर उसप और रॉबिन से पूछता है कि क्या फ्रेंकी ठीक होगा। जिस पर उसप कहता है वो एक सुपर साइबॉर्ग है। जिस पर वो टॉय सोल्जर उसप से कहता है कि मुझे अभी अभी खबर मिली है कि डॉन क्योटे फैमिली के 4 टॉप एग्जीक्यूटिव टॉय हाउस को गार्ड कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव का नाम सुनकर उसप डर जाता है और उनसे पूछता है कि क्या ये लोग बहुत स्ट्रांग है। जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि हाँ, वो लोग इतने स्ट्रांग है कि वो लोग आज तक कोई भी मैच नहीं हारे हैं और किसी को नहीं पता कि आखिर वो लोग कितने ताकतवर हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रेंकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोगों पर हमला कर रहा होता है। तभी सैनी और पिंक उसके पीछे से जमीन के अंदर स्विम करते हुए आता है, पर फिर वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फ्रेंकी उससे कहता है कि आखिर तुम जमीन के अंदर से कैसे आ सकते हो, और फिर वो उसे एक पंच मार कर दूर गिरा देता है। सही किया। और फिर हमें वापस से उस सब को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लियो से पूछता है कि आखिर डॉन क्योटे फैमिली में कितने लोगों के पास ताकत है। जिस पर लियो उससे कहता है कि डॉन क्योटे फैमिली में 10 एग्जीक्यूटिव इस पूरी कंट्री में 2000 सबॉर्डिनेट्स को लीड कर रहे हैं और उनको 3 टॉप एग्जीक्यूटिव लीड करते हैं, और उन तीनों की अपनी एक यूनिक आर्मी है, और पहली आर्मी जिसका नाम है द ट्रेवल आर्मी, यानी कि एक ऐसी टीम जिसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज वाले मेंबर्स हैं जैसे कि शुगर, वायलेट और गियोला। और फिर आती है द डियमांटे आर्मी, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि फाइटर्स हैं और जो कि हैं लाओ जी, मैच वाइस, सैनियर पिंक और डेलिंजर। और जो लास्ट आर्मी है वो है द पीका आर्मी, और जिसके अंडर कमांडो यूनिट आती है और जो कि है ग्लैडियस, बफेलो और बेबी फाइव। जिस पर उसब कहता है कि हमने बफेलो और बेबी फाइव को देखा है, और फिर लियो उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ बाहर के भी एग्जीक्यूटिव हैं और जो कि है वर्गो और मोनेट। जिस पर उसब कहता है कि तो हमारा टारगेट शुगर है। जिस पर लियो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, जिसे सुनकर उसब मन ही मन खुश होता है और कहने लगता है कि तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें फाइटर्स के ग्रुप का सामना नहीं करना होगा, और मुझे फ्रेंकी के लिए बुरा लग रहा है। पर उसके अगले ही पल लियो कहता है कि पर वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और जिसे सुनकर उस सब की हालत खराब हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका एक के बाद एक ब्लॉक डी के पोटेंशियल विनर्स को हरा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस सब और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस अंडरग्राउंड पैसेज के जरिए उस ट्रेड पोर्ट तक पहुँच जाते हैं, और फिर वो टॉय सोल्जर टुंडाटा किंगडम के लोगों से कहता है कि हम लोग अब यहाँ से पैलेस की तरफ जा रहे हैं और मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। और फिर वो अपने मन में कहता है कि डोफ्लामिंगो, मेरा इंतजार करना, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, और चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देना पड़े। और उस अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट का नजारा देखकर उसब और रॉबिन दंग रह जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े शिप्स होते हैं और वहाँ पर हजारों की तादाद में इंसान और टॉयज काम कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसब कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो एक
एक विशालकाय पोर्ट टाउन है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।